हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस प्रकार से है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो मासेस अगर m1 और m2 हो तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन्वर्सली इस तरह से लिखा जाता है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो 1/2 करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f इज प्रोपोर्शनलिटी को जो है कांस्टेंट से लिखा जाता है g, m1.m2/r2। जी को एक कांस्टेंट कहते हैं, जिसके यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जी जाना जाता है। दी इज नोन एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर देखिए, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक बॉडी m1 मास की है जिसका सेंटर ऑफ मास m1 समझिए, और दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास समझिए m2, उनके बीच में दूरी r है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। r1 इसका पोजीशन वेक्टर, r2 इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। ये जो है इस बॉडी को अपने तरफ खींचेगी, इसी तरह से ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है एफ, वो प्रोपोर्शनल होगा। तो उसे के टाइम प्रोपोर्शनलिटी ना करके उसे हम लोग जी लिख देते हैं, जी इनटू मासेस अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस। इनका दिशा, ये जो लाइन ज्वाइन करती है इनको, इसी लाइन पर ही होता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये उसको खींचेगी और ये बॉडी इसको खींचेगी, इसकी दिशा उसी लाइन पर होगी, इसीलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं, जो उसी लाइन पर एक्ट करता है। अब इसमें जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसको अगर लगा के आप लिखें, जैसे मान लीजिए फोर्स ऑन टू d21 आपको लिखना है, तो ये सेकंड बॉडी है, उस पर कितना फोर्स लगा, तो वो हो जाएगा जी m1 m2/r2। ये फोर्स हो गया। अब इसकी दिशा बता रही है, तो ये फोर्स इधर लगेगा, उस दिशा में अगर मैं यूनिट वेक्टर लूँ r से, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, माइनस लगाना होगा, ये हो जाएगा -r यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट ये लिखना चाहे कि f 1 पर 2 ने कितना फोर्स लगाया सेकेंड बॉडी ने, तो मैग्नीट्यूड यही होगा जी m1 m2/r2। दिशा देखिए, दिशा क्या होगी, दिशा इधर होगी, क्योंकि जो है सेकेंड वाली बॉडी m1 को उधर खींच रही होगी, तो उसमें ये चीज जो है माइनस यूनिट वेक्टर आर नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। बोथ बॉडी विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाई जी m1 m2/r2। और अब उसी चीज को जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं जी m1 m2/r2, यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर, दिस इज एक्चुअली फोर्स, फोर्स ऑन m1, फोर्स ऑन 1 due to 2। तो इसकी दिशा इधर होगी, यही फोर्स बनेगा यूनिट वेक्टर, इसी वजह से ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है। चलिए इसको ऊपर दिखाता हूँ, किस किताब में आप, ये प्रिंट नहीं हो पाया है, लेकिन ये आर क्यूब बना रहा होगा, यहाँ पे बनाया हुआ है।
ये इधर आर क्यूब बना रहा है, वही मतलब है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग जी m2 बाई आर स्क्वायर याद रखेंगे। सो मेनी क्वेश्चन कैन बी डिजाइन हियर, वन क्वेश्चन इज गिवेन, थ्री इक्वल मासेस ऑफ एम किलोग्राम ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द फोर्स ऑन मास 2m व्हिच इज प्लेस एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है कि ABC पर m मासेस हैं और सेंट्रॉइड G पर, जहां उसके मीडियंस काटती हैं, उस पर 2m मास रखा हुआ है। तो 2m मास के जो डिस्टेंसेस होंगे वो हर पार्टिकल से इक्वल इक्वल होंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो सभी जो फोर्सेस अप्लाई करेंगे एक बराबर ही फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ये जो है इसको इधर खींचेगा फोर्स एफ से, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 में m है, m2 में 2m है, r में ये दूरी है, दूरी x समझ लीजिए, तो ये तो सब x ही होगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे का फोर्स देखें, ये वाला इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा, उसका भी वही जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में m और 2m ही आएगा, x वही है। ये वाला भी वही है सिमेट्री की वजह से, ये इधर खींचेगा, m1 m2 वही है। सो इफ़ दिस फोर्स इज एफ, दिस थ्री फोर्सेस आर इक्वल एंड दे आर मेकिंग 120 डिग्री बिकॉज ऑफ सच ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्योंकि एक हिस्सा 60 डिग्री होता है, तो इक्वली डिवाइडेड है वन, हमने शायद गलत लिखा है, ये 60 डिग्री बनाएगा ना, ये 60 बनाएगा, ये 60 बनाएगा, तो इस तरह से 60 डिग्री बना रहा है। तो ऐसे में ये कितना फोर्स बनाएगा वो हम लोग को देखना है। इक्विलेटरल ट्रेंगल की वजह से देखिए, ये 90 डिग्री अगर है और ये 60 होता है तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये आधा 60 डिग्री होगा, इसलिए जो हमने पहले लिखा था यहाँ पर वो 120 डिग्री ही होगा। तो 120 डिग्री, अब दो इक्वल फोर्सेस हैं एफ एफ के जो 120 पर एक्ट करते हैं, तो उनका जो इसका और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इनका बाइसेक्टर डाउनवर्ड होगा, और वो फोर्स भी एफ के बराबर ही होता है, ये आप प्रूफ किए होंगे, कर सकते हैं। और ये फोर्स ऊपर एफ ही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स यहाँ पर 0 फोर्स होगा। और ऐसे भी बाय पार्ट भी आप करें, एक्स एक्सिस बना लीजिए और वाई एक्सिस बना लीजिए, तो इस फोर्स को दो भाग में तोड़िए, एक इधर और एक डाउनवर्ड, एक इधर इधर, इसको भी तोड़ेंगे डाउनवर्ड और इधर, तो ये और ये कैंसिल कर देगा और डाउनवर्ड वाले इसके दोनों मिल जाएंगे, तो नेट फोर्स जी पर आप 0 पाएंगे। थैंक यू।